Hey, what's up guys? कैसे हो सब लोग? फिर से आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल CA Gaming पे। तो गाइस आपको पता चल ही चुका होगा आज कौन किसके बारे में वीडियो बन रहा है। तो जी हाँ गाइस, आज वीडियो बन रहा है Minecraft के आइटम ड्रॉप के ऊपर। तो गाइस आज का वीडियो मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आइटम ड्रॉप कर सकते हो पीसी जैसा। तो बेसिकली गाइस आप जब माइनक्राफ्ट में कुछ आपका आइटम ड्रॉप करते हो तो बेसिकली आप लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि ऐसे ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे होल्ड करके ऐसे ऐसे आप ड्रॉप कर सकते हो। पर मैं आज को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसे मतलब ऐसा देखो पीसी जैसे आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब आप आइटम को ऐसे पीसी जैसे ड्रॉप कर सकते हो, जैसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, एक एक करके ड्रॉप कर सकते हो, एकदम एक साथ भी ड्रॉप कर सकते हो, इतना ईजी ड्रॉपेड है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप माइनक्राफ्ट पे इतना ऐसे इजीली एकदम इजी पीसी जैसा वन बाय वन बोलो तो वन बाय वन या एक साथ ड्रॉप कर सकते हो कैसे। तो यही चीज़ मैं आज आपको मैं बताऊंगा। और गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइज वीडियो में जो कुछ बताया गया है एकदम ध्यान से देखना। अगर आप स्किप करते हो ये चीज़ तो आपका शायद से ना हो पाए आपका ऐसा आइटम ड्रॉप। तो गाइस चीज़, जिन लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा जिस वीडियो में मैंने ये जो स्वर्ड स्वाइप इफेक्ट है, स्वर्ड स्वाइप इफेक्ट जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यार वीडियो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो, ऊपर आई बटन में शो होगा। तो चलो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं विथ इंट्रो। ओके तो गाइस ये जो आइटम ड्रॉप ये जो ट्रिक करने के लिए बेसिकली आपको एक एपीके का जरूरत होता है। तो बेसिकली ये तो कोई मतलब एड ऑन पैक तो नहीं है, इसके लिए आपको को एक एपीके का जरूरत होगा जिसका नाम है की मैपर एपीके। और नीचे गाइस आपको शो हो रहा होगा इस एपीके का नाम बड़ा बड़ा करके। और गाइस देखो इसको मैं आपको एकदम पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली इस एपीके का काम ये होता है, आपका जो मोबाइल का कोई भी एक बटन मतलब जो आपका प्लस वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन, ये बटन बेसिकली होता है कि आपका मोबाइल का प्लस और माइनस बटन को ये जो एपीके है वो कन्वर्ट कर देता है एक कीबोर्ड के बटन पे। मतलब देखो पीसी में क्या होता है, जो आइटम ड्रॉप का बटन होता है क्यू, तो आइटम ड्रॉप करने का बटन होता है क्यू, तो वो जो एपीके है उसको आप यूज़ करेंगे तो आपका जो माइनस या प्लस कोई भी एक बटन को आप पीसी का क्यू बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऐसे क्यू कोड दे सकते हो ठीक है वहाँ पे। तो चलो गाइस ऐसे तो आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, आपको मैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे लेके एकदम कैसे इनेबल करना है कैसे कुछ करना है मैं आपको A to Z बता देता हूँ। तो चलो गाइस मैं फटाफट से मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चला जाता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और गाइस ये जो एपीके देख रहे हो ये वाला एपीके को आपको इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है की मैपर। गाइज एकदम मतलब 2-3 MB का एपीके है यार, इंस्टॉल कर लो और डिस्क्रिप्शन में इस एपीके का लिंक दिया हुआ रहेगा। तो चलो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ इसको इनेबल कैसे करना है, ठीक है। और एक और चीज़ गाइज देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ये जो है मेन चीज़ है, इसको स्किप मत करना, एकदम A to Z देखना, इसको आपको इनेबल कर सकते हो इसको देखने से, ठीक है। अगर थोड़ा भी गलत कर दिया आपने तो कुछ नहीं होगा यार, खराब हो जाएगा। तो चलो गाइस मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप जैसे ओपन करेंगे तो इसको कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इसका कुछ दिखाएगा ऐसा कुछ। आपको इधर से जो एरो है उसको ऐसे ऐसे कर देना है, यहाँ पे कुछ इनेबल दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे चले जाना है, ठीक है। ऐसे चले जाने के बाद इसका जो होम स्क्रीन है ऐसे पे आ जाओगे, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे जितना भी कुछ आपको फाइल का अलाउ जितना भी परमिशन है
आपको दे देना है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर से एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जो फिक्स करके जो रेड कलर का दिखा रहा है, तो वही मेन चीज़ है, उसको ही हमें फिक्स करना होगा, ठीक है। उसको फिक्स करेंगे तो आपका जो एपीके है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ऊपर जो फिक्स वाले बटन है उसको आपको कर लेना है क्लिक, और जब इसको क्लिक कर लेंगे आपका असेंबिलिटी में आप चले जाइए, आपके मोबाइल पे चले जाओगे, और वहाँ पे आपको ढूंढ लेना है मोर डाउनलोड सर्वर्स पे। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे इधर पे है Xiaomi, जो जिन लोगों का Xiaomi का मोबाइल है शायद उस लोगों का शायद मेरा जैसा ही कुछ सेटिंग होगा, और गाइस देखो जिन लोगों का नहीं है तो यार ये जो मोर डाउनलोड सर्वर है इसको आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलो गाइस अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ मोर डाउनलोड सर्वर्स पे, और गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे आ चुका है की मैपर करके एक प्रोवाइड की बाई की मैपर एक आ रहा है मेरा, तो इसको मैं कर लूँगा ऑन, यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है मेरे को। चलो गाइस इसको कर लेता है हम लोग, कर लेंगे इसको ऑन, और चलो इसको ऑन कर लेते हैं। तो गाइस जब मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ मेरे को एक यहाँ पे एक ओके का बटन आता है, तो इसको ओके कर लेता हूँ। तो ओके करने से मेरा इधर पे देख सकते हो मेरा जो की मैपर है वो अभी ऑन हो चुका है, मतलब परमिशन मिल चुका है मोबाइल से। तो अभी आपको बैक चलाना है, बैक चले जाना है, उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर जो फिक्स वाला बटन है वो हो चुका है आपका फिक्स। तो अभी मेन चीज़, ठीक है, एक्टिवेट कैसे, ये तो हो चुका है हमारा जो एपीके का अलाउ ऐसा कुछ हो चुका है। अब गाइस दूसरे इसको लगाना कैसे, तो गाइस यहाँ पे नीचे एक ग्रीन कलर का एक प्लस आइकन दिख रहा होगा, तो इसको आपको कर लेना है क्लिक, और गाइस यहाँ पे जब आप क्लिक कर लोगे यहाँ पे देखो एक टारगेट जैसा कुछ एक पेज आ जाता है, रिकॉर्ड है टारगेट, तो नीचे एक रेड कलर का रिकॉर्ड टारगेट का रिकॉर्ड ट्रिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बेसिकली आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर के क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद आपको एकदम आपका जो वॉल्यूम का डाउन मतलब जो माइनस बटन है उस बटन को एक बार होल्ड करके रखना है, ठीक है, 2 से 3 सेकंड के लिए। उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा ट्रिगर एक्शन, यहाँ पे आपको चले जाना है एक्शन के ऊपर, और एक्शन के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ग्रीन के, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा एड एक्शन ग्रीन कलर का, उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसको क्लिक करने के बाद ऊपर बहुत सारा आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आपको यार इसको हटाना है धीरे धीरे, और हटाने के बाद यहाँ पे की कोड एक आ जाएगा ऊपर से की कोड, इसको आपको क्लिक कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो गाइस यहाँ पे की कोड पे क्लिक कर लेने के बाद आपको आपका जो है बहुत जो कीबोर्ड का जितने सारे की होते हैं सब यहाँ पे आ जाता है, तो आपको अब ढूंढ लेना है क्यू वाले की को, मतलब क्यू से ही तो आइटम ड्रॉप होता है, तो क्यू वाले की को मैं यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। तो 45 नंबर पे जो क्यू वाला की है मिलता है, यहाँ पे 45 पे देखो मैं हमें मिल चुका है ये वाला, तो आपको यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक ओके जैसा आता है, इसको कर लेना है क्लिक, ऊपर पे आपको उस कीबोर्ड चॉइस करने के लिए बोल रहा है, तो ऊपर पे जो रेड वाला जो एरर आ रहा है उसके ऊपर आपको कर लेना है एक बार क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे नीचे एक फिक्स का बटन आएगा, यहाँ पे देखो जब हम क्लिक करते हैं नीचे फिक्स का बटन आ रहा है छोटा सा एकदम, उसको आपको कर लेना है फ्लिप फिक्स के ऊपर क्लिक, और वहाँ पे आपको जब भी क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा चॉइस कीबोर्ड का ऑप्शन, तो आपको आपका जो कीबोर्ड है वो उसको आपको कर लेना है चेंज, आपको कर लेना है की मैपर कीबोर्ड को सिलेक्ट। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने की मैपर कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हो की मैपर कीबोर्ड हो चुका है सिलेक्ट, और जब ये की मैपर कीबोर्ड सिलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे नीचे से छोटा सा कॉर्नर पे देखो सेव का बटन है, आपको यहाँ पे कर देना है सेव। तो गाइस यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, ऑलमोस्ट आपका जो काम है वो हो चुका है। तो गाइस अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी आपको चले जाना है अपने रैम पे, मतलब रैम पे आपको होम स्क्रीन पे चले जाना है, और गाइस आपको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपका जो है माइनस बटन को होल्ड करके पकड़ के रखो, तो देखो यहाँ पे आपका गूगल ऐप खुल जाएगा, गूगल पे क्यू 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 ऐसा जितने बार दबाओगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है गाइस, ऐसे आप कंफर्म हो सकते हो कि आपका जो क्यू कोड क्यू क्यू बटन काम कर रहा है।
तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको चले जाना है आपके माइनक्राफ्ट पे। मैं एक बार इसको एक मिनट गाइस, तो चलो गाइस अभी आपको अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। तो गाइस चलो मैं फटाफट से मेरे माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के लॉबी के अंदर, बट आपको लॉबी के अंदर भी कुछ नहीं करना है, आपको सीधा चले जाना है अपने वर्ल्ड पे। तो चलो गाइस मेरा एक मैं मेरे खुद के कोई भी एक वर्ल्ड पे चले जाता हूँ, जैसे ये वाले वर्ल्ड पे। तो चलो गाइस मैं वर्ल्ड पे चले जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हम जो है वर्ल्ड पे आ चुके हैं, और पता नहीं ये रात क्यों हो चुका है यार, ज़ॉम्बी आएगा। ओ क्रिएटिव पे हूँ। तो गाइस देखो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ना कुछ करना है, सिर्फ क्या करना है आपके हाथ में कोई भी आइटम को पकड़ना है, और सिर्फ आपका जो डाउन जो माइनस बटन है उसको आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे जस्ट लाइक ऐसा देखो, आपको जो जो पावर पावर नहीं यार, जो वॉल्यूम बटन का माइनस को आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉप कर रहा है आइटम, ये देखो मतलब कितना आसानी से आइटम ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब देखो गाइस मतलब इतना आसानी से ड्रॉप कर रहा है बंदा। ये देखो एक एक करके भी आप ड्रॉप कर सकते हो, एक साथ भी ड्रॉप कर सकते हो, एक एक कर से भी, मतलब जैसे जैसे मर्जी ड्रॉप करो। गाइस आई होप आपको समझ में आ चुका है कि कैसे आपको आइटम ड्रॉप करना है, जस्ट लाइक पीसी जैसा। आई होप आपको समझ में आ चुका है गाइस। और गाइस देखो अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने का मिला माइनक्राफ्ट का, तो यार क्या करना है यार, वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, कर दो यार सब्सक्राइब, अगर नए हो तो करो सब्सक्राइब। और देखो यार इस चैनल में बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब हाँ भाई बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और गाइस देखो मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, और अभी तो देखो लाइव स्ट्रीम करता हूँ, बट लाइव स्ट्रीम में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए यार लाइव स्ट्रीम का क्या ही बताओ। तो कोई नहीं गाइस, ये जो ट्रिक है आपको शायद आपको समझ में आ चुका है, और अभी तक आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, फिर आपको मैं एकदम अच्छे से दूंगा, ठीक है गाइस, कोई टेंशन लेने का बात नहीं, मैं हूँ ना भाई, सब आपको करके दूंगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड में आ जाओ, मैं आपको एकदम ए टू जेड समझा के दूंगा। और गाइस देखो इतने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और देखो मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि देखो यार माइनक्राफ्ट कितने खेले यार, माइनक्राफ्ट खेल से तो बोर हो ही जाते हैं ना एक बार, तो यार मैं सोच रहा था कोई एक नया गेम खेला जाए। तो यार बताओ यार कौन सा गेम खेले, आप लोग कमेंट करो, कोई नया गेम बताओ जिसको हम लोग खेले माइनक्राफ्ट के अलावा, एक नया गेम बताओ जिस गेम में ज़्यादा कमेंट आएगा उस गेम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे ट्राई करेंगे, ठीक है गाइज। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. Don't fuck with me.